तो फ्रेंड्स मिलिए मेरे नए पेट से, ये हैं ड्वार्फ हैमस्टर और ये रशियन ड्वार्फ हैमस्टर हैं। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, इनकी अभी हाइट 2 से 3 इंच ही है और बहुत हल्के होते हैं, बहुत फुर्तीले हैमस्टर्स हैं ये। और बहुत फुर्ती में होने की वजह से इनको गर्मी भी उतनी लगती है, इन्हें थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए होता है रहने के लिए। और अगर हम इनको रखते हैं तो जैसे कई लोग बॉक्स में अगर रखते हैं इनको कंटेनर में एक जालीदार बना के, तो उसमें रखने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लें कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर है, वो थोड़ा ठंडा हो, क्योंकि गर्मी लगने की वजह से इनको कई प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, जैसे कि मेन प्रॉब्लम पेट खराब होने वाली है। तो अभी आप देख सकते हैं बहुत फुर्ती है इनमें, यहाँ वहाँ भागना। और मेरे पास अभी जो हैं इसमें ये वाइट मेल है, ब्लैक वाली फीमेल है, और मैं लाया हूँ इनको। अब इनको पालेंगे और ब्रीड करवाएंगे एक बार, और पूरी प्रोसेस फिर बच्चों से भी देखेंगे। तो अगर कोई आप में से कोई लाता है तो ये ध्यान रखे कि थोड़ा ठंडा टेम्परेचर रहना चाहिए इनको रखने के लिए। और अगर केज में रखते हैं जो जालीदार केज हो, तो ज़्यादा बड़ी बड़ी जालियाँ ना हो उसकी, जैसे कई बार पैरेट वाला केज जो हमें 700-800 का मिलता है ट्रे वाला, उसमें से ये निकल सकते हैं क्योंकि उसकी जाली का गैप बड़ा होता है। तो बारीक वाली जाली रखें। और मैं कैसा केज रखना है, कैसा सेटअप रखना होता है, इसके ऊपर एक पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, और फूड के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। सब वीडियोस जितनी भी बनाऊंगा सबकी लिंक इसके बेल आइकन पर मैं डालता जाऊंगा, धीरे धीरे और भी अपलोड होंगी तो आपको मिलते जाएंगी। बस इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है। तो अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं मेरे वाले हैमस्टर्स की, क्योंकि ये वाइट एल्बिनो मेल है और वो फीमेल है। अभी ये 1 महीने के ही हैं और इन्हें इनका पेयर लगने में 9 से 10 दिन लग सकते हैं। और अगर ये इस हफ्ते के अंदर ही पेयर लग जाता है और ब्रीडिंग होती है, तो अंदाज़ा है कि मई तक या मई के एंड तक मेरे पास इन हैमस्टर्स के बच्चे होंगे। वैसे इंडिया में बहुत कम लोग इनके बारे में जानते हैं, कई लोग गिनी पिग को ही हैमस्टर बोलते हैं और कई लोग इन्हें जानते ही नहीं, कई लोग इन्हें बिना पूंछ वाला चूहा भी कहते हैं। अब कमेंट में कई लोग बताने वाले हैं भाई ऐसी बात नहीं है, मेरे पास भी गिनी पिग है और मेरे पास भी हैमस्टर हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो अभी फ़िलहाल इनकी जब ब्रीडिंग होगी और बच्चे भी होंगे, तो इंडिया में तो इनका प्राइस बहुत हाई है, बाकी देशों में भी होगा उसका पता नहीं, लेकिन फ़िलहाल इंडिया की बात करते हैं तो ड्वार्फ हैमस्टर को कई लोग 3,000 रुपये पेयर, 4,000 रुपये पेयर भी देते हैं। लेकिन मैं अपने एक फ्रेंड से लेकर आया हूँ, उसने काफ़ी अच्छे रिजनेबल प्राइस में मुझे दिया है। और इनकी ब्रीड होने के बाद अगर किसी को चाहिए होगा तो मुझे बताएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वीडियो देखते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।